जापान अपनी अधिकांश विदेशी विकास सहायता राशि भारत को क्यों दे रहा है? और क्या जापान आने वाले वर्षों में निवेश जारी रखेगा? सब कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो आपको तो पता ही होगा कि भारत, जो पूरी दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में से एक है, भारत को जापान से सबसे बड़ी विदेशी विकास सहायता प्राप्त हुई है। 2003 से 2017 तक सहायता की राशि तेजी से बढ़ी है। ये चार्ट दिखाता है कि जापान से भारत को निवेश किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक प्राप्त हुआ। तो सवाल ये है कि ये सहायता कहाँ जाती है? तो आपको बता दें कि परिवहन क्षेत्र सहायता प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जापान परिवहन क्षेत्र में उत्कृष्ट है और जापान ने दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो और कई अन्य सहित कई मेट्रो और रेल परियोजनाओं में अपनी विशेषज्ञता और रेलवे ज्ञान का योगदान दिया है। जापानीज रेल के बारे में तो सबको पता ही है। 2019 से 2022 तक जापानी सहायता 6.2 ट्रिलियन जापानी येन से अधिक हो गई है। भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर भारी मात्रा में पैसा जा रहा है, तो जापान अपनी अधिकांश विदेशी विकास सहायता राशि भारत को ही क्यों दे रहा है? उसके पड़ोसी देशों को क्यों नहीं, जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत हो सकती है? और क्या आने वाले वर्षों में निवेश के ये रूप जारी रहेंगे? ठीक है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले 1958 में वापस जाना होगा, जिस साल जापान की विदेशी विकास सहायता पहली बार दुनिया तक पहुंची थी। ऋण की आवश्यकता वाले देशों को खोजने की उनकी खोज पर वे भारत में आए, तब भारत इन ऋणों को प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया और तब से भारत इन सहायताओं का सबसे पुराना और सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। इसके बाद जापान भारत संबंधों को मजबूत करने के कई अवसर मिले, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय 1990 के दशक की शुरुआत में था, जब भारत एक बड़े वित्तीय संकट का सामना कर रहा था। यह एक ऐसा समय था जब कोई अन्य देश भारत की मदद करने को तैयार नहीं था, लेकिन वो जापान था जिसने मदद की और जिससे अंततः उनके द्विपक्षीय संबंधों में सबसे बड़ा मोड़ आया। तब से दोनों देशों ने एक के बाद एक आर्थिक साझेदारी स्थापित की है। जापान भारत वैश्विक साझेदारी है, जो एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य हर 5 साल में देश में जापान के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दोगुना करना और हर 5 साल में देश में काम करने वाली जापानी कंपनियों की संख्या को दोगुना करना है। इस तरह की मजबूत साझेदारी से दोनों देशों के लिए मजबूत आर्थिक परिणाम सामने आएंगे। एशियन कम्युनिटी न्यूज नेटवर्क की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जापानी कंपनियों की संख्या 2020 में 1455 से मामूली रूप से घटकर 2022 में 1439 हो गई है और आने वाले वर्षों में भारत में जापानी कंपनियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। खैर, 2017 में लिखे गए एक जापानीज पेपर में तर्क दिया गया था कि भारत में जापान की भागीदारी एक राजनीतिक रणनीतिक उपयोगिता है, जो दुनिया के लिए एक संकेत है कि जापान महाद्वीप पर लाभ उठाने के लिए इस संबंध को मजबूत कर रहा है। हम मानते हैं कि जापान इन चीजों को कर रहा है क्योंकि वो तथाकथित लॉस्ट डिकेड्स से पीड़ित है, यानी जापान की अर्थव्यवस्था ने 1991 से 2021 तक किसी भी तरह की वृद्धि का अनुभव नहीं किया है। ये साझेदारी एक ऐसे रूप में हो सकती है जहां जापान अभी और भारत की मदद करेगा, यानी जापान भविष्य में भारत की मदद लेगा। कुछ मदद मानव पूंजी के रूप में है, क्योंकि जापान की आबादी धीरे धीरे कम हो रही है और आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने में मदद करने के लिए मानव पूंजी की आवश्यकता होती है और भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। हालांकि कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि विदेशी सहायता देश के सर्वोत्तम हित में है, इसने दोनों देशों को कई तरह से लाभान्वित किया है। जापान देश के आर्थिक विकास का लाभ उठाने और भारत के साथ अपने स्वयं के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में भारी निवेश कर रहा है। भारत में जापान का निवेश उसकी मुक्त और खुले भारत प्रशांत रणनीति का हिस्सा है। रणनीति का उद्देश्य आर्थिक एकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देकर भारत प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र और खुली आर्थिक व्यवस्था बनाना है। जापान भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। ये जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी JICA, एशियाई विकास बैंक यानी ADB और न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB जैसे विभिन्न कार्यक्रमों और संस्थानों के माध्यम से भारत को ऋण और अनुदान प्रदान करता रहा है। जापान दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC के विकास में भी निवेश कर रहा है,
जो एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है जो दो शहरों को हाई स्पीड रेल और 7 औद्योगिक समूहों से जोड़ेगी। इस परियोजना पर लगभग $90 बिलियन की लागत आने का अनुमान है और इससे 30 मिलियन नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। इसके अलावा उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा पाइपलाइनों में से एक आगामी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे है। इसके अलावा जापान भारत के विनिर्माण क्षेत्र के विकास में निवेश कर रहा है। ये मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है जो विदेशी कंपनियों को भारत में निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जापान भारतीय कंपनियों को नई तकनीकों के विकास और व्यवसायीकरण में मदद करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करता रहा है। जापान भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी निवेश कर रहा है। ये डिजिटल इंडिया पहल को समर्थन प्रदान कर रहा है जिसका उद्देश्य भारत की सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और देश की इंटरनेट तक पहुंच में सुधार करना है। खैर, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री फुमियो कुशीदा, जो हाल ही में अक्टूबर 2021 में देश के नेता बने हैं, उनका भारत से विशेष संबंध है। इसका पता इससे लगाया जा सकता है कि जब 2015 में प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया था और उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत को अपनी यात्रा के पहले गंतव्य के रूप में चुना था, क्योंकि दोनों देशों के संबंध 21वीं सदी में एशिया की दिशा को निर्धारित करेंगे। कुल मिलाकर भारत में जापान के निवेश का उद्देश्य देश के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और इसके आर्थिक विकास का लाभ उठाना है। निवेश का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मुक्त और खुली आर्थिक व्यवस्था बनाना भी है जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। वैसे आप जापान और भारत की द्विपक्षीय साझेदारी के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और भाई लोग 97.7% लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप भी उन्हीं में से एक है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।